ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस, आप देख रहे हैं नंबर वन स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय जीएनगंज नियर पंजाब नेशनल बैंक लहरिया सराय दरभंगा। कॉन्फ्रेंस विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी नॉन एसी मैरिज हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनीता, प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बच्चों में होने वाली बीमारी खसरा एवं रूबेला रोग के रोकथाम हेतु सोमवार को समाहरणालय से जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, सिविल सर्जन दीप मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया। 19 जनवरी जिले के सभी विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। तक के बच्चों को ये टीकाकरण कराना है और एक टीका से दो बीमारियों का बचाव होगा, खसरा और रुबेला। हम लोग जानते हैं बहुत घातक बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है, इससे बचाव के लिए ये अभियान चल रहा है। इसमें हम सभी लोगों को भागीदारी करनी है और जो बच्चे होते हैं वो भविष्य होते हैं हमारे देश के, हमारे समाज के। आप लोग अब से जागरूक है और इतनी भागीदारी कर रहे हैं, इसको केवल अभी नहीं बल्कि जीवन में आगे भी बनाए रखना है और जब भी आपको इस तरह का अवसर मिले उसमें अपना योगदान जरूर करना है। तो बहुत शुभकामना सभी बच्चों को। अब ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, हम लोग रैली निकालेंगे, लोगों को जागरूक करते हुए आगे बढ़ना है, यातायात नियमों का पालन करना है और बचना भी है, दुर्घटना उस बचना की हम लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की ओर से 19 जनवरी से लेकर के मिजिल्स और रूबेला के को हटाने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए वैक्सीन दिया जा रहा है रूबेला और मिजिल्स के लिए, जो ही खतरनाक बीमारी है और इस देश में पनप रहा है उसे हम लोग दूर करेंगे। इसके लिए 15 जनवरी से इंजेक्शन दिया जा रहा है। इसके जो प्रशासन के साथ हम रोटरी क्लब ऑफ मिथिला पूरी टीम ये अवेयरनेस को फैलाएगी और हर स्कूल में एक प्रोग्राम करेगी जिसके तहत हम ये जो अवेयर करें कि भाई किस तरह से ये बीमारी फैलता है और किस तरह से हम इसे मिटा सकते हैं। इसीलिए जो है ये हम लोगों का ये अभियान जो आज से शुरू हुआ है, जो कल से 15 जनवरी से शुरू होना है इसका टीकाकरण, उसके लिए आज हम अवेयरनेस रैली कर रहे हैं जिसमें हमारे रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के सभी सदस्य मौजूद हैं। इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और उम्मीद है कि हम लोग
किस तरह से पोलियो को जड़ से मिटाया है। रॉकी इंटरनेशनल का ये पहला प्रोग्राम था, उसको लिया था, तो इस तरह हम लोग इसे भी जड़ से मिटाएंगे। धन्यवाद। साप्ताहिक बैठक सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय के अम्बेडकर सभागार में आयोजित की गई। उन्होंने लंबित मामले, अतिक्रमण से संबंधित मामले को जल्द से जल्द निष्पादन हेतु अंचलाधिकारी को कड़े निर्देश दिए। बहुत अच्छा ग्रेडिंग ग्रुप का प्रगति अच्छी है। नेक्स्ट गिरौल चार मामले सर लंबित है सर, ये बहुत दिन से लंबित है, लगभग ये सवा साल से लंबित है। सीओ गिरौल नहीं है अभी, लेकिन सर कल अतिक्रमण का जो मामला था उसमें दो अतिक्रमण कल हटा दिया गया और शाम हो गया था, इसकी अरेस्ट नहीं हुआ सर। इस सप्ताह में करिए, अगले मंडे को ही नहीं लाना चाहिए। और दो जो हो गया उसको तुरंत पीजीआर साहब आ कल से रिपोर्ट बना के उसको डिस्पोज, ठीक है। विस्तारित आपके यहाँ विस्तारित 22 मामले हैं सर, ज्यादा है, जिसमें 9 मामले अंचल अधिकारी बिरौल के यहाँ है सर, 6 मामले गौड़ा बड़ाम के यहाँ पर है सर। सदर पीजीआरओ साहब का, उसके साथ अंचल में जो 9 मामले हैं और गोड़ा बोरा में 6 मामले हैं, इसको अपना वही मंगा के देख सकते हैं बिरौल में पीजीआरओ ऑफिस में, यहाँ भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में, क्योंकि वो लिमिट से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। बिरौल का थोड़ा मॉनिटर करिए, ठीक है ना। हम देख रहे हैं बिरौल में पीजीआरओ साहब चिट्ठी भी लिख रहे हैं बार बार, सोकाल भी कर रहे हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा है। अतिक्रमण का मैक्सिमम मामला है सर, तो उसमें सब जगह हम लोग थाना अध्यक्ष को टैग किए हैं, बैठक होती है, तो जो भी है मॉनिटर करके चाहिए, उनका हम देखते हैं प्रतिलिपि आती रहती है हर सप्ताह। शुभकरपुर राजकीय मध्य विद्यालय DLN प्रशिक्षण के अंतिम दिन रविवार को ऑर्डिनेटर ललित यादव द्वारा प्रशिक्षकों से 3,000 रुपए लेकर अंक देने की शिकायत प्रशिक्षकों द्वारा की गई। एक मीडिया कर्मी को इस बात की जानकारी लेने को ऑर्डिनेटर ललित यादव के पास पहुंचे तो उनके और उनके कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की व गाली गलौज किया गया। हालांकि इस घटना की वीडियो वायरल हो चुकी है। जांच नहीं करने आ रहे हैं, DPO और PO का सदर PO को भी जांच करने के लिए दिया गया है। 3 दिनों का अंदर में आप अपना प्रतिवेदन दो, यहाँ का जो कोऑर्डिनेटर है चंद्रभानु सिंह उस पर, लेकिन इस पर भी पैसा का किला ये अपने आप को बताते हैं कि मैं भोला यादव का ये आदमी भगना हूँ। और अभी तक ये जांच नहीं हुआ, इससे पूरा संलिप्त भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं सारे प्रशासन का इसमें संलिप्तता है। कुमार है, आप यहाँ सेंटर पर क्या करते हो और आपका दायित्व क्या है? मेरा यहाँ सर मैं यहाँ सुपरवाइजर के तौर पर नियुक्त हूँ और हमको यहाँ देख रेख करना है कैसी क्लास चलती है, क्लास का क्या व्यवस्था है। लेकिन यहाँ के कोऑर्डिनेटर के द्वारा मुझे एक भी दिन नहीं बुलाया गया, ना मैं एक दिन भी अटेंडेंस किसी भी सुपरवाइजर के द्वारा नहीं बनाया जाता है सर। कहीं भी कभी भी अटेंडेंस जो सीट होता है, कोई आते हैं तो उपस्थिति बनाते हैं, लेकिन यहाँ उपस्थिति के नाम पर कुछ नहीं है, न किसी को बुलाया जाता है। आज क्या हो रहा है अभी यहाँ पर और क्या घटनाएं घटी है सर? आज तो सर यहाँ तो बहुत से
बहुत से जो शिक्षार्थी सब हैं जो ले रहे हैं प्रशिक्षण उसे भी पैसा मांगा जाता है। हम तो कभी बहुत दूर से नहीं आ रहे थे, जिस कारण से हम इधर आए थे तो हमको बताया गया था, सुनने में आया था कि यहाँ 2-3 हज़ार रुपये लिया जा रहा है। कितना? 2-3 हज़ार सुनने में आया था। 2-3 हज़ार रुपये खाला मांगा जा रहा है नंबर बढ़ाने के लिए। बोलिए आप कम उंगली नीचे करके बात करो, पहले क्या नाम है नीचे करके बात करो, सीधे कर रहे हैं बस। कौन मांगते थे? क्या समझ लेंगे? अरे हम तो तुम धमकी देता जी, थोड़ा दस मिनट तक कम ये कर। कौन कोऑर्डिनेटर? नाम क्या? नाम चंद्रभानु यादव। चंद्रभानु सिंह यादव वही जो भी है नाम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन कुमार। यहाँ पे प्रशिक्षु उपलब्ध हैं, सभी प्रशिक्षु बारी बारी से पूछा जाए जो एक भी प्रशिक्षु से पाए लिए हैं, बहुत सारा प्रशिक्षु अभी आपके सामने कैमरा की नज़र में है। पूछिए आप लोग बताइए। नहीं सर कोई ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे कैमरे पे बोला है कि आपने पैसा मांगा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, वही लोग आज यहाँ आके आपके पास बैठ दिया है। और बार बार इन लोगों को हम बुलाते हैं, नहीं आता है, इस परिस्थिति में हम क्या करें? पैसा एक पैसा का इसमें दोहन नहीं हमने किया है। प्रशिक्षु आपके सामने उपलब्ध है, पूछ लीजिए सही प्रशिक्षु से आप। भाकपा माले का 2 दिवसीय 11वां जिला सम्मेलन पोलो मैदान लहेरिया सराय में आयोजित की जाएगी। वरिष्ठ नेता धीरेंद्र कुमार झा, महासचिव वैद्यनाथ यादव ने सोमवार पार्टी कार्यालय में संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में CUDA गठबंधन की हार सुनिश्चित करने हेतु आंदोलन को तेज किया जाएगा। भाजपा के खिलाफ सत्ता के नाजायज दुरुपयोग करने के खिलाफ एक ज़बरदस्त माहौल बन रहा है। CBI को जिस तरह से संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर के नकारने की कोशिश हुई, RBI को नकारने की कोशिश हुई, सूचना आयुक्त को नकारने की कोशिश हुई, इसने इस बात को स्थापित कर दिया है कि देश, समाज, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए देश की गद्दी से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना, मोदी को बाहर करना एक राष्ट्रीय देशभक्ति का कर्तव्य बन गया है। ऐसी स्थिति में पूरे देश में और ख़ास करके बिहार में भाजपा विरोधी एक बड़ा ध्रुवीकरण हो, इस दिशा में हमारी पार्टी काम कर रही है। और मैं मानता हूं कि बिहार में भाजपा विरोधी जो ध्रुवीकरण होगा उस ध्रुवीकरण में भाकपा माले एक महत्वपूर्ण किरदार है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इस ध्रुवीकरण के भीतर वामपंथी ताकतों की एक अहम भूमिका जब सामने रहती है तो जनता के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के पूरे देश में और बिहार में आंदोलन चल रहे हैं, उसके साथ न्याय होगा। और हमारी पार्टी की ओर से एक 3 सदस्यीय एक कमेटी बनी है और जिसमें मैं भी हूँ, राजा राम सिंह हैं, KD यादव हैं, तो तमाम विपक्षी दलों से एक संवाद कायम किया जा रहा है और कोशिश होगी कि बिहार में एक अधिकतम अंडरस्टैंडिंग तमाम भाजपा विरोधी दलों के भीतर हो। और हम लोग संकल्प लेंगे, इसकी पूरी तैयारी करेंगे कि बिहार में भाजपा का खाता नहीं खुले। और चूंकि बिहार में इसको लेकर के एक बात और हम कहना चाहेंगे कि बिहार में किसानों के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ, दलित गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ और 10 लाख के आसपास स्कीम वर्कर्स हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, इसके साथ दिल्ली की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार नाइंसाफी कर रही है, तो ये भी बिहार की राजनीति में आगे आने वाले चुनाव में एक अहम मुद्दा होगा। खास करके आशा की हड़ताल हुआ, एक वार्ता हुई, लेकिन बहुत 1,000 रुपया का मासिक मानदेय देने की घोषणा सरकार ने की है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का 5 दिसंबर से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही है। रसोईया लोगों की हड़ताल चल रही है, सरकार के लिए वो भी चिंता की बात नहीं है। और इन स्कीम वर्कर्स को
जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी है वो भी नहीं मिल रहा है, जो देश के कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है और सामाजिक न्याय का उल्लंघन है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे को लेकर के भी केंद्र सरकार को और बिहार की सरकार को हम लोग घेरने की कार्ययोजना बना रहे हैं। आप लोग के द्वारा जो ये अभियान चलाया जाएगा मोदी सरकार के खिलाफ, कब से ये योजना के शुभारम्भ हो रही है? देखिए अभी 22-23 को हमारी राज्य कमेटी की बैठक नालंदा जिला में हो रही है और नालंदा से एक हम लोग एक राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत करेंगे और वैसे विभिन्न जिलों में हमारी कोशिशें चल रही हैं। दरभंगा में भी जिला सम्मेलन होगा, उसके बाद फरवरी से ये राष्ट्रीय अभियान की हम लोग शुरुआत करेंगे और इस क्रम में बिहार के भी अधिकांश जिलों में और पूरे देश में भी अधिक से अधिक संख्या में सभा होगी और वहाँ से हम जनता को संगठित करने का, जनता को संविधान को बचाने के लिए आगे आने का आह्वान करेंगे कि मोदी सरकार को इस बार दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। मकर संक्रांति को लेकर शहर से लेकर गांव तक दुकानें सज गई हैं, लोग खरीदारी करते नजर भी आ रहे हैं, लेकिन व्यवसायियों की माने तो लोग खरीदारी में कटौती भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें बाजार से जिस तरह की उम्मीद थी वो नहीं पूरी हो रही है, जिसका एक मुख्य कारण सामान की कीमतों में आई बढ़ोतरी है। ₹350 किलो, दरभंगा वाला जो आपको गया के हुआ था कारीगर के द्वारा बनाया गया है वो आपको ₹280 किलो, इस बार तिल का रेट है आपको ₹180 किलो तिल है, इसीलिए थोड़ा बढ़ा हुआ रेट है। किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं? खरीदारी जो पिछले बार ₹1 का हो रहा था खरीदारी, इस बार 8 का दुकानदारी, व्यवसाय ठीक नहीं हो रहा, व्यवसाय इस बार सही नहीं हो रहा। क्या नाम हुआ था? मेरा नाम हुआ सोनू मोहतम। की खबरें भी संपन्न हुई, दीजिए नीता गोकुल टीम के साथ इजाजत, धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय जीएनगंज नियर पंजाब नेशनल बैंक लहरिया सराय दरभंगा। कॉन्फ्रेंस विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924